अस्सलामु अलैकुम। आज हम बनाएंगे काले चने की चाट। तो देखिए, ये हमने आधी कटोरी से थोड़े से ज़्यादा काले वाले चने लिए थे। इनको हमने 7 से 8 घंटे के लिए भिगो कर रख दिया था, तो अब हम इनको बॉईल कर लेंगे। चने को हमने अपने कुकर में कर लिया है। अब हम इसमें 1/2 टीस्पून नमक डाल देंगे, 1.5 कप इसमें पानी डाल देंगे, और एक हम इसमें फुल फ्लेम पे सीटी लगाने के बाद गैस का फ्लेम हम स्लो टू मीडियम पे कर देंगे। देखें, छोले को पकते हुए हमारे 15 से 16 मिनट हो गई हैं और छोले भी हमारे अच्छे से गल गए हैं। अब हम एक मसाला तैयार कर लेंगे। 1/2 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1/2 टीस्पून अमचूर पाउडर। देखें, पैन में हमने 2 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल को गरम करने के लिए रख दिया है। तो ऑयल हमारा गरम हो चुका है। अब हम इसमें 1/2 टीस्पून ज़ीरा डाल देंगे, थोड़ी सी हींग डाल देंगे, और जो हमने मसाला बनाया था उसको हम डाल देंगे। इस मसाले को हम 1 मिनट के लिए भून लेंगे। अब हम इसमें चनों को डाल देंगे, इसको अच्छे से मिला देंगे। देखें, चनों में मसाला अच्छे से कोट हो गया है, तो अब हम इसको ठंडा कर लेंगे। देखें, छोलों को हमने बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं किया है, ये अभी भी हल्के गर्म हैं। तो अब हम इसमें, ये एक मीडियम साइज़ की प्याज थी जिसको हमने रफली कट कर लिया है, एक मीडियम साइज़ के टमाटर और 2 हरी मिर्चों को हमने बारीक बारीक कट कर लिया है, इनको डाल देंगे। बारीक कटा हुआ धनिया डाल देंगे, 1/2 नींबू का रस डाल देंगे, इन सबको हम अच्छे से मिला देंगे। देखें कैसे झटपट हमारे छोले बन करके तैयार हो गए हैं। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, और इस तरह की और रेसिपीज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।